डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेजर्स। इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के, और ये दो मैट्रिक्स हैं MTBF दैट इज मीन टाइम बिटवीन फेलियर एंड MTTR दैट इज मीन टाइम टू रिपेयर। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इवन आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन है। जैसा कि आपको पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैक्सिमम पोर्शन आपका थ्योरेटिकल है, तो ये न्यूमेरिकल पोर्शन आपका कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो देखो, मीन टाइम बिटवीन फेलियर का मतलब क्या है? इट इज द एवरेज टाइम। पहली बात ये क्या है? एवरेज टाइम, बिकॉज मीन टाइम है। इट इज द एवरेज टाइम अवेलेबल फॉर अ सिस्टम और कंपोनेंट टू परफॉर्म इट्स नॉर्मल ऑपरेशन बिटवीन फेलियर्स। कहने का मतलब क्या है? आपका सिस्टम था, कंपोनेंट था, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो, वो नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा है, मतलब उसका काम चल रहा है, चलते चलते फेलियर आ गया। फेलियर हो गया तो ऑब्वियसली कुछ टाइम लगेगा उसको ठीक करने में। ठीक किया, दोबारा से फिर सिस्टम चल गया, फिर चलता गया, फिर कोई फेलियर आ गया, डाउन हो गया। डाउन मतलब एक तरह से सिस्टम बंद हो गए, फिर उसको कुछ टाइम लगा ठीक करने में, फिर दोबारा से सिस्टम मेरा चल गया। तो कहने का मतलब क्या है? दो फेलियर्स के बीच में आपका सिस्टम कितनी देर तक चलता रहा, दैट इज कॉल्ड द मीन टाइम बिटवीन फेलियर, या इसको हम अप टाइम भी बोल देते हैं। मतलब दो फेलियर्स के बीच में कितनी देर तक आपका सिस्टम अप रहा, ऑपरेशनल रहा, चलता रहा, दैट इज द मीनिंग ऑफ MTBF। और इसका फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑपरेशनल टाइम, मतलब टोटल कितना ऑपरेशनल रहा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फेलियर्स कितने हुए। दूसरा आ गया मीन टाइम टू रिपेयर। मीन टाइम टू रिपेयर का मतलब क्या है? सिस्टम चलता गया, एकदम से फेलियर आ गया। अब फेलियर आ गया तो ऑब्वियसली कुछ टाइम तो लगेगा उसको ठीक करने में, तो वो कितना टाइम लगा, दैट इज व्हाट मीन टाइम टू रिपेयर। रिपेयर मतलब चीजों को ठीक करने में कितना टाइम लगा, तो ये फॉर्मूला हो गया सम ऑफ डाउन टाइम, इसको बोलते हैं डाउन टाइम, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फेलियर्स। और तीसरा फॉर्मूला आ जाता है अवेलेबिलिटी, दैट इज व्हाट मीन टाइम बिटवीन फेलियर, बिकॉज ये टाइम अच्छा है, ये टाइम हम चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि ये टाइम ज्यादा से ज्यादा हो और ये टाइम कम से कम हो। तो अवेलेबिलिटी इज व्हाट मीन टाइम बिटवीन फेलियर डिवाइड बाय MTBF प्लस MTTR। तो ये सिंपल सी कहानी है। ये देखो, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट से ये मेरी टाइमलाइन है, मतलब टाइम इस तरीके से बढ़ रहा है, सिस्टम चल रहा था, चलते चलते एकदम से कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई इंसिडेंट अकर हो गया। अब प्रॉब्लम आ गई तो ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम टू डिटेक्ट। हम यहाँ पे टाइम की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं कि सेकंड में है, मिनट में है, या फिर ये इयर्स में, वट एवर इट इज, ठीक है ना। तो टाइम कुछ भी हो सकता है, ये एक मिनट भी हो सकता है, एक सेकंड भी हो सकता है। तो डिटेक्ट किया, फिर उसके बाद चीजों को डायग्नोज किया, रिपेयर किया, रीस्टोर किया और फाइनली रिकवर किया। तो ये टोटल जो है मेरा एक तरह से क्या बन गया, डाउन टाइम बन गया, रिपेयर टाइम बन गया। देखो सिंपल से एग्जांपल देता हूं। लेट से आप घर पे बैठे वाईफाई अपना यूज कर रहे हो और एकदम से आपको लगा कि वाईफाई चल नहीं रहा, ठीक है, सिस्टम एकदम से, आपने इंटरनेट यूज कर रहे थे, नहीं चल रहा। अब क्या करोगे? आपने मोबाइल पे चेक किया, वहां पे भी नहीं चल रहा, फिर आपने मॉडेम जाके चेक किया, वहां पे लेट से वहां नहीं चल रहा या कोई लाइट नहीं आ रही, आपने ऑन ऑफ करके देखा, नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपने कस्टमर केयर को कॉल किया, वहां से फिर ऑब्वियसली आपने कंप्लेंट दर्ज कराई। सेम डे हो सकता है ठीक हो, नहीं तो हो सकता है नेक्स्ट डे ठीक हो। तो ऑब्वियसली कुछ टाइम तो लगेगा ना रिपेयर करने में, रिकवर करने में, दैट इज योर डाउन टाइम, मीन टाइम टू रिपेयर। और फिर उसके बाद सिस्टम दोबारा चल गया तो चलता रहा, जब तक नेक्स्ट इंसिडेंट अकर नहीं होता, नेक्स्ट डाउन टाइम अकर नहीं होता। तो कितनी देर तक वो चलता रहा, दैट इज कॉल्ड द अप टाइम एंड दैट इज कॉल्ड द डाउन टाइम। तो ये मीन टाइम टू रिपेयर डाउन टाइम से रिलेटेड है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर इज द अप टाइम, ठीक है ना। एक आपको फॉर्मूला भी करवाता हूं, एक आपको न्यूमेरिकल करवाता हूं, ताकि आपको और थोड़ा आइडिया हो जाए कि कैसे फॉर्मूलाज को यूज करना है। तो देखो, अ मशीन दैट रन्स फॉर 24 आवर्स, मतलब कोई मशीन है 24 आवर्स तक रन करती है, ड्यूरिंग दैट टाइम इट फेल्ड ट्वाइस, मतलब दो बार वो फेल होती है, एंड ईच टाइम इट टुक 1 आवर, मतलब हर बार एक घंटा लगता है उसको ठीक करने में। तो टोटल आपका एक तरह से डाउन टाइम कितना हो गया, 2 आवर्स हो गए, ठीक है ना, क्योंकि दो बार फेलर हुआ, हर बार एक घंटा लगता है, तो टोटल कितने लगे, 2 घंटे लग गए डाउन टाइम हो गया। टू गेट इट बैकअप एंड रनिंग, फाइंड द MTBF एंड MTR। तो देखो, MTBF कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको पता है टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल आवर्स कितने हैं, 24 घंटे में से 2 घंटे तो आपका डाउन रहा, तो टोटल आपका ऑपरेशनल आवर कितने रहे, 22, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फेलियर्स कितने हुए, 2 फेलियर्स इसने बोल रखा है, तो यानी आपका मीन टाइम बिटवीन फेलियर क्या आ गया, 11, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, मशीन ने 24 घंटे चलना था, लेकिन वो चली कितनी, ऑपरेशनल कितनी हुई, 24 - 2, दैट इज 22, डिवाइड बाय 2, 11। इसको आप क्या बोल सकते हो कि ऑन एन एवरेज हर 11 घंटे के बाद मशीन
फेल हो जाती है, इसको आप ये भी बोल सकते हो। दूसरा, मीन टाइम टू रिपेयर कैलकुलेट करना हो तो देखो टोटल आपका डाउन कितना रहा, 2 घंटे। देखो दो बार फेलर हुआ, हर बार 1 घंटा लगता, तो टोटल 2 घंटे आपका डाउन रहा। और कितने नंबर ऑफ फेलियर्स हैं, 2 फेलियर्स हैं, तो यानी इसको आप क्या बोल सकते हो, ऑन एन एवरेज 1 घंटा लगता है मशीन को ठीक करने में। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये कहानी है। अब आप अवेलेबिलिटी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, MTBF डिवाइड बाय MTBF प्लस MTTR, मतलब 11 डिवाइड बाय 12। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.91 समथिंग आएगा, मतलब परसेंटेज में निकालना हो तो 91 समथिंग आपका, 91.6 व्हाटएवर इट इज, अराउंड आप कह सकते हो कि 91.6 आपकी अवेलेबिलिटी जो है वो निकल के आती है। तो ये आपका सिंपल सा कहानी है। तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल आता है, कुछ भी पूछते हैं, तो आप इससे ज्यादा जो है वो कुछ नहीं पूछेंगे। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। थैंक यू।